ऐसे तो सबको पता है आप लोग का भाई, मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, और आज मैं सुबह को मॉर्निंग 7 उठा हूँ और अभी टाइम है 7:30, चाय पी के हो चुका है और सुबह को जल्दी उठ के आप देखो एक बार, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उठ के एक बार देखो। अभी मतलब आज तो मैं उठ गया, और कल, इसका मतलब नहीं कल भी मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, आज तो एक काम था इसलिए जल्दी उठ गया, लेकिन कल देर तक सोने वाला हूँ। मॉर्निंग पर्सन हफ्ते पे सिर्फ एक बार। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, एंड ये सी वाचिंग फॉर पॉइंट्स ब्लॉग। प्लीज और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ठोको नेक्स्ट। क्या ठोको? क्यों ठोको? सब्सक्राइब ठोको 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 ठोको। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, अब थंबनेल लेके और टाइटल लेके तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज क्यों ब्लॉग कर रहे हैं, तो अभी एक ऊपर से एक टेंशन है क्या होगा रिजल्ट। ऐसे भी मेरा 3 डेज से बुखार चल रहा था, अभी ठीक हूँ, पूरा ठीक हूँ, कम्प्लीट ठीक हो गया है, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं, बुखार ठीक हो जाने के बाद भी अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा बीमारी रहता है। तो मम्मी ने भी बोला, ऐसे ही मेरा मम्मी हॉस्पिटल में काम करता है, डेली 50 पेशेंट से ऊपर दिखता है। मम्मी ने भी बोला चलो हम दोनों जाके टेस्ट करा के आते हैं। पता नहीं ना, बोल नहीं सकते, रिस्क कौन ले सकते, लाइफ में कभी रिस्क लेना नहीं चाहिए। और ऐसे भी मेरे दोस्तों के साथ मिलते रहता हूँ, अभी जब से मेरा बुखार हुआ है तब से मैंने सबको बोल दिया कि मेरे घर पे मत आओ, और पता नहीं ना, लग बाई चांस अगर किसी का हो जाएगा तो क्या होगा। और देखो, हम लोग का जो ये सोसाइटी है, सबको पता है बहुत सेल्फिश है, अगर किसी का भी कुछ होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो बोलता नहीं है, मतलब ऐसा होता है मेरा हो रहा है तो उसका भी होना चाहिए। तो मैं वो टाइप का बंदा नहीं हूँ, अगर मेरा हो रहा है इसका मतलब नहीं मेरा दोस्तों का भी होना चाहिए। तो मैं 5 डेज से घर के अंदर हूँ, होम क्वारंटाइन हूँ, 3 डेज से मेरा बुखार चल रहा था, पहले से तबीयत थोड़ा खराब था लेकिन पहले 3 डेज से बुखार चल रहा था, अभी कम्प्लीट ठीक हो चुका है। तो आज टेस्ट करा के आता है, और आज मैं ब्लॉग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ब्लॉग नहीं करूँगा तो मेरा माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा, उदास उदास फील करते रहूँगा। अगर अभी कर रहा हूँ तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है, फिर अभी यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जाऊँगा थोड़ा ब्लॉग करेंगे, टेस्ट करेंगे, घर पे आएंगे, अगर निगेटिव हो गया तो अच्छी बात है, तो अगर निगेटिव होगा तो भी अच्छी बात है, वो वाला नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे रखते हैं, रेडी होके जब हम लोग जाएंगे बाहर तब ब्लॉग करेंगे। अगर अब अभी तक देख रहे हो तो मेरे नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो अभी तो ये जो मेरा एग्ज़ाम वाला ब्लॉग था, ये अभी एडिट हो रहा है और 20% बाकी है, मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगा, और आज मैं अपलोड करूँगा। आप ये ब्लॉग तो कल जाएगा, कल आप देख रहे हो ये ब्लॉग भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे, और ये ब्लॉग कोई मज़ेदार ब्लॉग नहीं है, अगर देख लिया तो आपको पता चल जाएगा, और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकलने वाला ब्लॉग है, बिकॉज मेरा तबीयत ऊपर से ख़राब है यहाँ पे, और ऑर्डर आ रहा है कि एग्ज़ाम सितंबर का होगा, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला ब्लॉग था। अगर मेरा अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे, पॉजिटिव ना आए, मैं एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाऊँगा तो अगर दोस्तों का मेरा हो जाएगा तो क्या होगा, आप बोलो क्या होगा। तो ये एडिट करके मैं अपलोड करके बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, आपका भाई भी रेडी हो चुका है जाने के लिए, मम्मी बाहर है, और अभी थोड़ा डर लग रहा है और थोड़ा इमोशनल हो रहा है, मतलब अजीब टाइप लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी चलते हैं और ब्लॉग यहाँ पे नहीं करेंगे, मम्मी बुला रहे हैं, होप कि कुछ ना हो, बुरा ना हो। तो अभी चलते हैं और ब्लॉग नहीं करेंगे घर पे, और मतलब ब्लॉग नहीं हो रहा है, डर भी लग रहा है। सो यहाँ पे मैं और मेरा मॉम घर से निकल गए थे, फिर यहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, वॉइस ओवर से कम चल रहा है, मम्मी सामने है, और बाहर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ भूल रहे हैं। और उसके बाद मैं और मेरा मॉम सिविल हॉस्पिटल तक पहुँचे, वहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। या इतना लोग देखने के बाद मैं डर भी गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंपनी के लिए एक दोस्त भी मिल गया, फिर उसके साथ थोड़ा बात करने के बाद अच्छा लगा। सो गाइस, आज है डे 3 आफ्टर आई टेस्टेड पॉजिटिव, पता नहीं कैसे लेकिन पॉजिटिव आ गया आपका भाई, लाग देखो आपका भाई का। तो तबीयत तो इतना ख़राब था नहीं, बुखार तो ऑलरेडी ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव आ गया, तो आ गया, आप क्या कर सकते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि जब मैं और मेरा मॉम टेस्ट करने के लिए गया था, जब रिजल्ट आ गया था, फिर वो ग्रुप में हम लोग 10 जन थे, इंक्लूडिंग मी एंड माई मॉम, वहाँ पे एक द्वारा करके एक आदमी था, फिर अविनाश सर क्या, फिर उन लोग को साइड में जाने के लिए बोला, आप दोनों साइड में जाओ, बाकी साहब आप लोग घर जा सकते हो। फिर तब तक तो मेरा निगेटिव था, बोला गया मेरा निगेटिव है, फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया कि
तूने तू जो वहाँ पे रिसीव दिया गया था, हम लोग का जो रिसीव था वो लेके आ रहा है। मेरा कुछ काम है तो मैंने रिसीव के लिए वहाँ पे रुका। लोग दोस्तों को टेक्स्ट कर रहा था कि तुम लोग का भाई कब निगेटिव आ गया प्रो। फिर एक लड़की आया, फिर मेरा नाम बोला गया, कल पॉजिटिव आप यहाँ पे हो? मैंने बोला हाँ यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, हैप्पी था मैं। फिर लड़की आके मुझे बोला आप भी पॉजिटिव हो। वो टाइम पे सब कुछ ब्लैंक हो गया था। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कैसे कैसे पॉजिटिव आ गया भाई तू। फिर उसके बाद किया, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोला मम्मी ऐसा ऐसा हो गया तू चली आ जा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा वहाँ पे। फिर मम्मी आने के बाद डॉक्टर से बात किया, वहाँ पे बोला गया, मम्मी ने बोला कि इसको हम घर लेके जाएंगे बिकॉज डॉक्टर एंड नर्स अगर मतलब पॉजिटिव आया तो घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं एंड इंक्लूडिंग देयर फैमिली, तो शायद बाकी का भी हो सकता है पता नहीं। लेकिन मुझे मतलब नर्स डॉक्टर का बताया, फैमिली का बताया कि उन लोग घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। फिर मैं घर आ गया, फिर घर आने के बाद ब्लॉग कंप्लीट किया नहीं, 3 दिन लगा है मुझे ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए, आज डेट हुई है। फिर क्या अभी भी क्वारंटाइन में हूँ। वहाँ पे बोला गया अगर आप लोग का पास एक्स्ट्रा रूम है, एक्स्ट्रा बाथरूम है तो आप इसको लेके जा सकते हो, घर पे क्वारंटाइन करना होगा। तो ऐसे तो मेरा घर था नहीं, मुझे पता अभी भी मैं पूरा ठीक हूँ, अभी सिर्फ मैं विटामिन का कैप्सूल ले रहा हूँ। वहाँ पे बोला गया कि तुम विटामिन खाते रहो 10 दिन तक क्वारंटाइन करना होगा, तो मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ। रिक्स नहीं ले सकते ना, बुखार तो नहीं है लेकिन कह नहीं सकते। अगर गलती से भी अगर दोस्तों का नहीं तो फैमिली का अगर हो जाए तो क्या होगा। तो अभी मैं क्वारंटाइन पे हूँ घर पे, ये कमरा मेरा है, यहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, और बाहर में तो इतना काम है नहीं। तो जैसे तैसे करके ये ब्लॉग मैं ख़त्म किया, बाकी देखते हैं 10 दिन के बाद फिर से मैं जाके टेस्ट कराऊंगा तब रिजल्ट क्या आता है। ऊपर से इतना गर्मी है, ये ब्लॉग करने के लिए ये फ़ैन बंद करना पड़ा, फ़ैन नहीं चल रहा है, ऊपर से मैं गर्मी में मर भी रहा हूँ। वेट अ मिनट, आ रहा हूँ थोड़ा हवा खा लेता हूँ। सो अभी ये ब्लॉग ज़्यादा नहीं करेंगे, जल्दी से एंड करेंगे अभी। और तबीयत आपका भाई का ठीक है, बुखार नहीं है, क्वारंटाइन कर रहा हूँ, विटामिन खा रहा हूँ। फिर थोड़ा दिन के बाद देखते हैं और कब ब्लॉग आएगा, नया ब्लॉग पता नहीं, शायद थोड़ा टाइम मैं लूँगा, 10 दिन 20 डेज, नहीं तो 1 महीना भी ले सकता हूँ, 1 महीना नहीं कह सकते, 20 डेज रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद ब्लॉग आएगा। तब तक के लिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो एंड बी दैट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे ब्लॉग कर रहे हैं इतना इन्जॉय करके। सो गाइस मेरा बहुत बुखार हो गया, मैं पॉजिटिव आ गया, और ओ भगवान करे मेरा कुछ ना हो, मरने के लिए मन ही है। ऐसे तो मैं ब्लॉग नहीं कर सकता, ऐसे करने से मतलब दिमाग का और दही होने वाला है। तो अभी यहाँ पे ब्लॉग रखते हैं, लाइफ पे कुछ हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होता है। अभी घर पे हूँ, खा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, क्वारंटाइन पे हूँ, फिर भी बी पॉजिटिव। तो अभी रखते हैं ब्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करो तो ये रेड कलर जैसा एक बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप क्लिक करो एंड बीटा पार्ट ऑफ दिस मंथ्स फैमिली ऑन यूट्यूब। पेस आउट, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए।